हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो हम आ गए हैं वॉक के लिए, और देखिए हमारा बेटा आगे जा रहा है, उसको आ रहा है गुस्सा। ये क्योंकि इसको सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, इस पर जोर पड़ते हैं। दमू देखिए उसको भाई। ये देखिए तेरे लिए और वगैरह। तो ये देखिए हमारे गांव का मंदिर कितना ही सुंदर, और दिवाली पे तो ये बहुत ही सुंदर सजेगा। और देखिए सुम सपाटा हो रहा, आज तो कोई नहीं दिख रहा। तो ये देखिए गाइस, दिवाली के लोग बागों ने कर दी है तैयारियां, अपने घरों पे लगा कर लड़ी, और आज हम भी लगाएंगे। ये देखो कि हम आ गए हैं अपने घर वॉक से। खोलो गेट। देखिए गाइस, आज बनाई है मैंने कढ़ी, और मैंने पकोड़े नहीं डाले क्योंकि देव को पसंद नहीं है पकोड़े कढ़ी में, सिंपल कढ़ी पसंद है। तो चलिए बना देती हूँ देव के लिए रोटियाँ, क्योंकि इसका हो चुका है स्कूल का टाइम। तो देखिए गाइस, आज हम बहुत ही दिनों बाद अपने प्लॉट में, अपने खेत में, अपने फार्म हाउस में आ गए हैं देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या सब्जी बो रही हैं। और देव के पापा भी हैं यहाँ मेरे साथ। काम करने के मूड में था वहाँ थोड़ा सा के ये लकड़ी लेके चले गए थे, और वो मेरा वो पेड़ सहजन का गया। हाँ सही हो रहा है, ये तो पानी दुआ हो इसको ले आओ कुछ। ले आओ, ये रहा हमारा सहजन का पेड़, गोल गोल पत्ते हैं इसके। ये देखो जी गाइस, तीन बार ये पेड़ हमारा टूट गया है और फिर से हो गया। देखिए तो ये देखिए गाइस, गिरगिट, ये देखिए। ये तोड़ तोड़ लो पन्नी। ये देखिए गाइस, बो दी है बलराम ने मेथी। मेथी है, दिखते नहीं दाने पड़े हैं मेथी के। मेथी है और ज्यादा घिनकी बो रखी है ना। कौन सा यू क्यों हो गया इस पेड़ी में? दीमक। पानी तो खैर दे रखा है ना, बता कितना अच्छा था। हम आते थे रोज, जब तो ना सूखा था। और ले आऊंगा मैं पेड़ा, टेंशन मत ले। ये होने से कभी ना तो नजर कर दी थी किसने शुरू में, और नफसा ही फूट कर रहा था यू। तो ये देखिए गाइस, हमारा कटहल का पेड़ा गया, इसका हो गया काम खत्म। और गंडे, एक गंडा चूस लूं दियो पाड़ के, एक गंडा पाड़ के दो। तो देखिए आज हम गंडा चूसते हैं। हाँ ले लो, हो रहे हैं ये तो सही है ना पाड़न लायक। आपके संडे ने छुट्टी पाऊंगी ना बच्चों की, लेके आऊंगी बच्चों। तो ये देखिए हमारे लिए गंडा तोड़ दिया है देव के पापा ने। दिवाली के बाद चूसते हैं ना, दिवाली पूज के ऊपर तो भी भाई लक्ष्मी हमारे लिए तो नहीं। दिवाली पूज के यो के चक्कर है, दिवाली का गंडा पूजा भूल गई उस पे पूजे करें गोवर्धन पे। देखे पहले ऐसे करे करते और कहीं गया ये तो। चलो छील के दो, अपना काम करे। आपके दांत मजबूत है, ले देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। लो छील के दिखाते लो वीडियो। तोड़ दो ना इतना, इसने जड़ने इस जड़ को तोड़ दो इतनी। ये क्यों घेर दिया, ये भी तो सही है। उसको रख दो पहले, मैं इसे चूस दूंगी। चूस ले आगे, लो पकड़ो वीडियो बनाओ मेरी। ऐसे बनेगी चलो चूस लो। वैसे दिवाली पे पूछते थे गोवर्धन, मारता धन सारा तू ही है। मिठा है पर कैड़ा है, कैड़ा नहीं है यार, दांत कमजोर हो गए हैं। क्या जब लो भाई,
मिर्च हो गई हमारी, हमने ये डोली पे बो रखी है और मिर्च लग भी आई है। ये देखो, देखो भाई ये मिर्च, हाँ ये मिर्च लगाई है हमारे में भाई, सारे मिर्च लगा दिए। नला रखे सही, उधर भी दिखाओ उधर क्या बो रखा है। सरसों में भाई आलू बस इतने से, ये रे थोड़ी डोली है ये, ये आलू इसने बराबर में ज्यादा गिर रखे हैं ये रे। तो ये देखिए गाइस हमारे अमरूद के पेड़ पर, और गाइस हमारे कई पेड़ सूख गए हैं जो हमें बहुत ही दुख हुआ। हमारा आड़ू का पेड़ भी सूख गया है, या दवाई मार दी उसने मेरे से पूछ लो। दवाई स्पना सर करे, स्पना दवाई ना मार रखी, ये दिमाग आ जाए जब पेड़े पेड़े में देख। कहाँ है दिमाग, देखियो हरी भरी जड़ है। हाँ देखिए लग रही, कहाँ लग रही, सोता कर रखे है देख के रहा मेंटला उन होता मन तो ऐसे लगा दवाई मारी है। अगर दीमक लग रही होती सारे पेड़ सूख जाते। और ये देखिए हमारा हरड़ का पेड़, तुअर दाल का पेड़, देखिए कितना मोटा तना हो रहा है इसका ना। नींबू लाऊं तोड़ के, तोड़ लो। ये देखिए मूली बो रखी है डोलियों के ऊपर, और बीच में क्या बो रखा है। और ये देखिए गाइस हमारे खेत का नींबू, लपनी जेब में डाल लो। तो कई पेड़ खराब हो गए, उसका हमें बहुत ही दुख है, क्या करें। फिर चलेंगे किसी दिन, फिर अलग अलग जगह बोएंगे वो जो लाएंगे हम नया पेड़। तो ये देखिए गाइस अमरूद खराब हो गया है, ये दिखाना फट भी गया है। हाँ पता नहीं एलर्जी सी हो रही, फट गया पेड़ साथ ही दे रहे अब। और ये देखिए गाइस टमाटर के पेड़, और टमाटर भी खूब लग रहे हैं, छोटे छोटे भी आ रहे हैं बड़े बड़े भी। क्या बोल रहे हो आप, इनके बीच में बो दो। हो जाएंगे नु पानी देते हो जाएंगे। ये देखिए मूली का बीज बो रहे हैं। और मैं गंडा चूक रही थी, मेरा गंडा बहुत कैडा है, क्या करूं। देखिए गाइस हमने गंडा चूस लिया है, ठीक है तो चलते हैं हम मंडी की तरफ। ठीक है तो एतवार ना लिया हूं, इतना थोड़ा सा ले आते हैं सामान। ये देखिए गाइस देव के पापा ने बो दी है मूली, मूलियों के बीज डोलियों के ऊपर, और थोड़ी सी हेल्प मैंने भी करवाई थी। पानी पियोगे? तो ये देखिए गाइस कितने मकोड़े हैं अपने अंडे लेते हुए, इन्होंने कर दिया है बारिश का इशारा। कहते हैं कि जब चींटी या मकोड़े अंडे ठा के चलते हैं तो बारिश के संकेत होते हैं, तो बारिश आ सकती है। ये सफेद सफेद से बड़े करके दिखाएं, हाँ ये सफेद सफेद से जो मुंह में ले रहे हैं ना ये इनके अंडे हैं। नजदीक ले जाकर दिखाओ, दिख रहा है ये देखो, ये अपने अंडे लेकर चलती हैं, ये हैं बारिश के संकेत। चले भाई, और गाइज अब हम चल देते हैं मंडी की तरफ लेने के लिए कुछ सामान। तो देखते हैं क्या क्या लेके आएंगे आज देव के पापा जी।
चलिए भाई। देखिए गाइस, हमने तोड़ लिया है थोड़ा सा धनिया, और धनिया की खुशबू बड़ी ही अच्छी आ रही है। है तो थोड़ा सा ही धनिया, पिछली बार की तरह आपके इतनी सारा तो नहीं है, पर खुशबू बड़ी अच्छी है ताजी ताजी धनिया की। देखिए गाइस, हमने अपने पेड़ से तोड़े हैं अमरूद, कितने मोटे मोटे हैं। तो आ जाइए गाइस, आप दिखा लीजिए अमरूद, देखिए कितना मोटा अमरूद है। और ये इसके पापा ढूंढ रहे हैं, हमने कल सफाई करी थी तो अड़ंगा निकाला था, देखते हैं क्या क्या काम की चीजें। माउस अब ये लगे हैं गाड़ियों में अब आजकल। तो गाइज, हमने बना लिया है खाना, खाने में है आलू बैंगन की सब्जी, अचार, मूली का सलाद और रोटियां। तो मैं लगा देती हूँ सबसे पहले अपने लड्डू को भोग। ये लो मैं लड्डू जी, खा लो। तो गाइज, अब हम अपने लड्डू को पिला देते हैं दूध। इसका दिमाग खराब हो जाए, बड़ा गिलास देगी इतना। देखिए गाइज, हमारा बेटा देव आ गया है ट्यूशन से और ये खा रहा है खाना। तो देखिए गाइज, हम आ गए हैं अपनी छत के ऊपर और हमने योगा और वर्जिश दोनों ही चीज़ें कर ली हैं, और देव गया है नीचे। तो हम दोनों टाइम सुबह और शाम वर्जिश और योगा करते हैं, और शाम के टाइम तो करते हैं हम अपनी छत के ऊपर आकर, और सुबह पार्क में जाकर, थोड़ी बाहर खेतों वगैरह में भी जाकर। तो चलिए चलते हैं नीचे, मैं कर देती हूँ बल्ब। हेलो गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस, ओके बाय, गुड नाइट, सी यू, शुभ रात्रि।